हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज अपन बात करेंगे नेशनल एल्युमिनियम की और समझेंगे क्या इसमें इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर सकते हो BTST के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर अभी आपको थोड़ा रुकना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम ओवरऑल की बात करें दोस्तों, तो आज जितने भी मेटल स्टॉक्स थे वो सभी ने अच्छे से शाइन किया है। आप देख सकते हो कि आपका हिंडाल्को है, उसके बाद में NMDC है, नेशनल एल्यूमिनियम है, ये सभी शेयर्स में अच्छा खासा बाइंग हमें आज देखने को मिली। हर एक स्टॉक में ऑलमोस्ट 5% से लेके 4% तक का हमें अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो मेटल स्टॉक की शाइन के कारण नेशनल एल्यूमिनियम में भी हमें अच्छी बाइंग आज हमें देखने को मिली है, ठीक है। और अगर इसका रेवेन्यू की अगर अपन बात करें, तो आप देख सकते हो इसका जो रेवेन्यू है दोस्तों, वो मार्च 2024 में 13,149 करोड़ का था और मार्च 2021 में 9,000 करोड़ का। दैट मीन्स ये इसका रेवेन्यू जो है वो भी ठीक ठाक गति से बढ़ रहा है, ठीक है। और इसके जो सेलिंग जनरल एक्सपेंसेस है वो भी सही तरह से बढ़ रहे हैं, नेट इनकम है वो भी बढ़ रही है। तो दैट मीन्स ओवरऑल जो कंपनी है वो अच्छे से काम कर रही है। अगर हम लेटेस्ट क्वार्टरली बेसिस पे बात करें दोस्तों, तो इसका जो रिजल्ट आप देख सकते हो, सितंबर 2023 में इसकी रेवेन्यू थी 3,000 करोड़ की, अभी रेवेन्यू हो गई 2,800 करोड़ की। दैट मीन्स इसमें फॉल हमें देखने को मिल रहा है। हमारा जो नेट इनकम है दोस्तों, नेट इनकम जरूर इसमें आप देख सकते हो कि बड़ी है, और नेट इनकम बिफोर टैक्सेस भी बड़ा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं रेवेन्यू भली घटा है, बट कंपनी ने इतनी इफिशियंटली काम किया है कि फिर भी इसका प्रॉफिट अच्छा हुआ है, ठीक है। तो ये तो रहा कंपनी की बेसिक डिटेल्स, आप अगर देखना चाहो तो वो देख सकते हो। बाकी इसमें बुलिश क्या, ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि बुलिश है, बुलिश। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक बुलिश सिग्नल, जो सेंटिमेंट है हमें वो टेक्निकल ट्रेंड्स बुलिश ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर इसका फोरकास्ट की हम बात करें, तो ये 235 हाईएस्ट बता रहा है, हम देखेंगे कि क्या इसमें 235 जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका चार्ट में। चार्ट में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये एक रेंज में ट्रेप हुआ है 27 मार्च 2024 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 26 अगस्त 2000, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। रेंज है आपकी डाउन साइड की 170 रुपीज़ की लेवल, और अपसाइड की है 207 रुपये की लेवल, ठीक है। आप देख सकते हो एक बार, दो बार, तीन बार, ये चौथी बार यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आ रहा है, और यहाँ से एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार, ये पांचवी बार फॉल होगा। अगर यहाँ से अपसाइड वापस 182 से 207 जाता है, वापस आता है तो, ठीक है। अब आपका सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली अगर इस कैंडल को अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो एक प्रॉपर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इस कैंडल को सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 198 रुपीज़ का आएगा, ये वाला, ठीक है। और 198 को सस्टेन कर दिया तो 208 का टारगेट आ सकता है। थर्ड टारगेट के लिए, इसके लिए हम 235 का टारगेट के लिए जाएंगे। फोर्थ टारगेट इसमें हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, वो रहेगा 253 रुपीज़ के आसपास का, ठीक है। तो 253 का टारगेट आ सकता है अगर आप 235 पे ही सस्टेन करता है आपका स्टॉक, और 253 भी सस्टेन करेगा तो फिर 276 की ओर जाएगा। तो ये तो बहुत लंबा टारगेट मैंने बता दिया दोस्तों, पर उसके लिए ज़रूरी है कि 207 को प्रॉपर वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करें, क्योंकि जनरली होता है कि जब 52 वीक्स हाई स्टॉक बनता है तो और हायर हाई लगाता जाता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये दोस्तों कि मान लीजिए अगर यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, और अगर एक रेड कैंडल यहाँ पर बनती है, तो फिर प्रॉब्लम है। और फिर अगर 168 के नीचे सस्टेन करता, तभी जाके आपको डाउन साइड में इसके टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा होता है तो डाउन साइड में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों 154 रुपीज़ का, और ये भी बहुत बड़ा टारगेट है दोस्तों, क्योंकि आप देखिए 181 से 154, मतलब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का लिमिट डाउन साइड में है, और 30 to 40 पॉइंट्स का लिमिट अपसाइड में, बट अपसाइड जाने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर 154 सस्टेन नहीं करता है, तो फिर 133 हमें देखने को मिलेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो नालको के ऊपर। आई होप आपको लेवल्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चला होगा। इसी के साथ अपन वीडियो क्लोज करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।